लोकेशन आ गया, लैंडमार्क भी आ गया। और अब टेक फोटो, फोटो में हम लोग गुरु दयाल जी का ही है, पंकज जी का सब में चलाने। ये देखिए अभी 12:02 हुआ है, 12:02 का यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे ये जाएगा, चला गया, आ जाओ, उस पर चला गया, कहाँ गए, डेस्कटॉप लैपटॉप लेके आए हैं, आ जाए, ठीक है, समझ। तो इतना ही है, बस इतने में वो पूरा होकर के चला गया। सर मोबाइल को एक बार घुमा दें, मोबाइल महाबोधि टेम्पल। जाएंगे जिस चेकिंग पॉइंट पे ये क्यू आर वहाँ पे लगा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोध गया खाना का ही क्यू आर, तो ये स्कैन हो गया। अगर वहाँ पे लोकेशन का फोटो या अपना फोटो लेकर के प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग अपना उसके बाद ये ओके हो गया। अब हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। ये जो सर का जो डेस्कटॉप है, ये हमारा प्रेजेंटेशन वहाँ हो गया, क्योंकि अमुक समय में अमुक जगह पे हमने वहाँ पे चेकिंग किया और ये वहाँ पे रिपोर्ट चला गया। ये यूजर फ्रेंडली भी है, सभी को ट्रेनिंग भी दे दी। सर हमारे मोबाइल पे रहेगा, मोबाइल इसको डेस्कटॉप मतलब ये हुआ सर, अपने मोबाइल में रखे लैपटॉप। गया जिले में पेट्रोलिंग को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए उसके बेहतर एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स हैं अपराध के दृष्टिकोण से, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वहां पर ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं। और अभी वर्तमान में बोधगया शहर में 46 स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, और सभी जो पेट्रोलिंग में जो पदाधिकारी और कर्मी रहेंगे उनके पास एक ऐप के माध्यम से उनको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा उस जगह पे जाकर के, जिसके माध्यम से उनके लोकेशन की जानकारी हम लोग को मिल जाएगी, और साथ ही साथ फ़ोटो भी वो अपलोड कर सकते हैं जिस जगह पे वो पेट्रोलिंग करने गए हैं। इसके माध्यम से उनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी और रियल टाइम में जो भी उसका रिपोर्ट्स है वो भी जनरेट हो पाएगा, और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस पेट्रोलिंग अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं ये पता चल सकेगा, और बेहतर पेट्रोलिंग हम लोग सुनिश्चित कर सकेंगे। इसको वर्तमान में हम लोग सभी जो बोधगया शहर में महत्वपूर्ण मंदिर, बैंक्स, होटल्स, बस स्टैंड इत्यादि में इसको लगाए हैं, और ये बिहार राज्य में पहली बार इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक बेहतर व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बोधगया शहर के बाद हम लोग इसको गया शहर में लागू करेंगे, और धीरे धीरे गया जिले के सभी जो महत्वपूर्ण जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। व्यवस्था की क्या मंत्री